मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो पढ़ाई कर रहे हो घर पे या सिर्फ खाली खेल रहे हो? पढ़ना भी है साथ साथ में। जो होमवर्क डेली आपका वीडियोस जा रहा है वो आपको अपनी कॉपीज में कंप्लीट करना है, और जो आपके राइम्स के वीडियोस आ रहे हैं वो आपको बार बार देखकर लर्न भी करना है, ठीक है? जब स्कूल ओपन होगा तो मैम सब चेक करेंगी, इसलिए सारा होमवर्क डे बाय डे कंप्लीट करना है, ठीक है? चलो आज इंग्लिश की कॉपी निकालो और आज हम लोग वी लिखेंगे। वी फॉर वैन। देखो मैम ने एक वैन का पिक्चर बनाया है, गाड़ी को क्या बोलते हैं? वैन, ठीक है? तो चलो इंग्लिश की कॉपी निकालो और हम लोग आज वी लिखना सीखते हैं। रेड लाइन से एक स्लैंटिंग लाइन और इधर से भी एक स्लैंटिंग लाइन, ओके? आपका वी बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत इजी है, सिर्फ देखो तो आप जल्दी से लिख पाओगे उसको। फिर से देखो, स्लैंटिंग लाइन नीचे की ओर, फिर एक और स्लैंटिंग लाइन, इसको दोनों को मिला देना है, ठीक है? फिर से देखो, ये वी हो जाएगा आपका, स्लैंटिंग लाइन के यहाँ और फिर इधर से भी एक स्लैंटिंग लाइन, दोनों को टच कर देना है तो आपका वी बन जाएगा। फिर से देखो, एक और स्टाइलिंग लाइन और एक और स्लैंटिंग लाइन, ठीक है? ऐसे आपका वी बन जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा होगा तो ठीक, आप वो डॉट देकर लिखोगे ऐसे ऐसे भी, देकर डॉट डॉट देकर वी लिखोगे तो आप लिख लोगे, और इस पे अपनी पेंसिल को ड्रॉ कर लेना, ओके? ऐसे तो आपका ये वी बन जाएगा, ठीक है? बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है। मैथ्स की कॉपी निकालो। मैथ्स में आज हम लोग 22 लिखना सीखेंगे। 21 हमने कल सिखाया था, आज हम लोग 22 लिखेंगे। तो चलो मैथ्स की कॉपी निकालो और 22 लिखते हैं। पहले 2 और उसके ठीक एक और बाजू में 2, 2 2 22, मतलब दो दो आपको 2 लिखना है। 2 और एक और 2, 2 2 22, बोलो साथ में बोलोगे, 2 एक और 2, 2 2 22, 2 एंड 2, 2 2 22। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा होगा तो आप डॉट देकर लिखना, ओके? ऐसे ठीक है, और इस पे अपने पेंसिल को ड्रॉ कर लेना। 2 2 22, 2 2 22, 2 2 22, 2 and 2 22। बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है। चलो नेक्स्ट, हिंदी की कॉपी। आज कल हमने प सिखाया था, प से पतंग, आज हम लोग फ लिखेंगे। फ से क्या होता है? फल। देखो सारे फल के पिक्चर बनाए हैं मैंने ना, अंगूर है, उसके बाद आपका सेब है, उसके बाद आपका केला है ना, बहुत सारे फल। तो फ से हम लोग फल लिखेंगे। तो चलो हिंदी की कॉपी निकालो और आज हम लोग फ लिखते हैं। पहले ऊपर 4 लाइन ड्रॉ कर लेना। जैसे प लिखते हो ठीक 4 की तरह ही लिखोगे, या प बोलो जो मैंने कल सिखाया, और जहां से इसका लास्ट हुआ है ठीक उसी की तरह नीचे की ओर खींच देना, उल्टा फ हो जाएगा, फ से फल। बहुत सारे बच्चे हैं ना फ को क जैसा लिखते हैं, गोल राउंड बनाकर, तो वो गलत हो जाएगा आपका। आपको ये चौड़े मुंह में बनाना है तभी ये आपका फ होगा। फिर से देखो, प की तरह लिखोगे और ठीक इसी का उल्टा, उल्टे टाइप का नीचे करोगे, ठीक है? अगर आप इसको टेल की तरह बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा, पूंछ की तरह बना दोगे तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका, फिर ये फ नहीं कहलाएगा। फिर से देखो, प की तरह लिखोगे और इसको ऐसे करके, ठीक है? फ से फल, ठीक है? फिर भी आपको नहीं आएगा तो आप डॉट देकर लिखना, ठीक है? ऐसे ऐसे डॉट देकर लिखना, ओके? और इस पे अपना पेंसिल को ड्रॉ करोगे इस तरह, ठीक है? जैसे मैम लिखी है वैसे ही लिखना है,
और बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है। चलो, थैंक यू।